उठाया ऐतिहासिक कदम, CAA 2019 के नियमों को किया अधिसूचित, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिल सकेगी नागरिकता। अग्नि 5 को मिली बड़ी सफलता, मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया परीक्षण, भारत दुनिया के सुपर पावर में हुआ शामिल। सिप्री ने जारी की रिपोर्ट, दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना भारत, रूस है मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता। गोल्डन लंगूर पर जारी हुआ सर्वेक्षण, भारत में पाए गए 7,396 गोल्डन लंगूर, असम में देखी गई सर्वाधिक संख्या। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ EFTA ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत भारत और EFTA के बीच निवेश को बढ़ावा देने एवं वस्तुओं तथा सेवाओं में दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही समझौते के तहत अगले 15 सालों में करीब $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह विकसित देशों वाले समूह के साथ भारत का पहला आधुनिक व्यापार समझौता है। इस समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं, जिसमें व्यापार के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग की सुविधा को शामिल किया गया है। साथ ही सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। गौरतलब है कि भारत EU, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद EFTA का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत EFTA के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18.65 अरब डॉलर रहा था, जबकि साल 2021-22 में यह 27.23 अरब डॉलर था। इस समूह में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जानकारी के लिए बता दें कि EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1960 में की गई थी। इसका मकसद अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इस संघ में आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। यह यूरोप में 3 आर्थिक ब्लॉकों में से एक है, जिनमें अन्य 2 EU एवं ब्रिटेन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले 3 देशों के सताए हुए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। इन गैर मुस्लिम प्रवासियों में ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू धर्म के लोग शामिल हैं। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह कानून उन्हें अवैध प्रवासन कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना अनिवार्य है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 11 वर्षों से देश में रह रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन में भारत के विदेशी नागरिक यानी OCI पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है। यदि OCI कार्ड धारक नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। बताते चले कि भारत में नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। नागरिकता का विवरण संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। हाल ही में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करना है। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह भारत की परमाणु सक्षम अग्नि मिसाइल श्रृंखला का नवीनतम विकसित चरण है, जिसका नाम संस्कृत शब्द अग्नि पर रखा गया है।
गौरतलब है कि MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक एक ही मिसाइल पर कई हथियार को ले जाने की क्षमता होती है। साथ ही यह सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई लक्ष्यों को भेज सकता है। यह तकनीक केवल कुछ ही देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास है। बता दें कि अग्नि श्रृंखला भारत द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइलों का एक समूह है जिसका प्रत्येक संस्करण विशिष्ट रेंज और उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अग्नि संस्करण में अग्नि 1 एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 700 से लेकर 1200 किलोमीटर है, जबकि अग्नि 2 की मारक क्षमता रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। वहीं अग्नि 3 2500 किलोमीटर से अधिक और अग्नि 4 3500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इन मिसाइलों को रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। इसका पहला उड़ान परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसमें 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग किया जाता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की आधारशिला रखी है। यह अंतरिक्ष एजेंसी मौजूदा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाद दूसरा ऐसा केंद्र होगा। यह नया लॉन्च पैड व्यावसायिक आधार पर छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें लॉन्च पैड के साथ रॉकेट एकीकरण सुविधा, ग्राउंड रेंज और चेकआउट सुविधाएं और चेकआउट कंप्यूटर के साथ एक मोबाइल लॉन्च संरचना शामिल है। इसमें मोबाइल लॉन्च संरचना का उपयोग करके प्रतिवर्ष 24 उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता होगी। बता दें कि SSLV यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एक 3 चरणीय लॉन्च वाहन है। इसे 3 ठोस प्रणोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के रूप में एक तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ कॉन्फिगर किया गया है। इसका व्यास 2 मीटर और लंबाई 34 मीटर है, जबकि इसका भार करीब 120 टन है। यह 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले छोटे आकार के उपग्रहों को निचली पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए उपयोगी है। इनके आकार और वजन के आधार पर इन्हें आमतौर पर लघु, सूक्ष्म या नैनो उपग्रह कहा जाता है। इसकी लागत कम होती है और इच्छित उपग्रह को कक्षाओं में स्थापित करने में कम उड़ान समय लगता है। गौरतलब है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना साल 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में की गई थी। हाल ही में अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साथ ही 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया को त्वरित समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। यह घोषणा WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार द्वारा सह आयोजित याउंडे सम्मेलन में की गई है। इसमें द बुर्किना फाजो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया सहित 11 देश शामिल थे। इन देशों में वैश्विक मलेरिया के लगभग 70% मामले पाए जाते हैं। बता दें कि याउंडे घोषणा का उद्देश्य मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए घरेलू वित्त पोषण में वृद्धि करना है, साथ ही डेटा प्रौद्योगिकी और निवेश करना तथा मलेरिया उन्मूलन में नई नीतियों को लागू करना है। जानकारी के लिए बता दें कि मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। दरअसल प्लास्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं। इनमें से 2 प्रमुख प्रजातियां पी फाल्सीपेरम व पी विवैक्स खतरे का कारण बनती है। यह रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार तथा फ्लू जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वहीं WHO ने पी फाल्सीपेरम मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में बच्चों के लिए RTS-S-AS01 मलेरिया वैक्सीन के उपयोग का सुझाव दिया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने CDAC तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया है। यह लैब भारत की अगली पीढ़ी के लिए नवाचार केंद्र होगा। इसका नाम सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि यह सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी को भविष्य में आकार देगा। गौरतलब है कि सी डैक स्टार्टअप्स और फ्यूचर लैब्स क्षेत्र में काम करने वाली अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। साथ ही यह योजना बनाने, मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को विकसित करेगा। बता दें कि सी डैक यानी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक शीर्ष अनुसंधान और विकास शाखा है। भारत में इसकी स्थापना साल 1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सी डैक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था। हाल ही में भारत में गोल्डन लंगूर की आबादी पर एक सर्वेक्षण जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण के नतीजतन भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या करीब 7396 अनुमानित की गई है। यह सर्वेक्षण प्राइमेट अनुसंधान केंद्र और असम वन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस लुप्त प्राय प्राइमेट की व्यापक संख्या का आकलन दो चरणों में किया गया है। इसके पहले चरण में मानस बायोस्फीयर रिजर्व के पश्चिमी भाग को शामिल किया गया, जिसमें रिपु रिजर्व फॉरेस्ट, चिरांग, मानस रिजर्व फॉरेस्ट और मानस राष्ट्रीय पार्क के पश्चिमी तट तक शामिल है, जबकि दूसरे चरण में असम के बोंगाईगांव, कोकराझार और धुबरी जिलों में गोल्डन लंगूरों के खंडित वन आवासों को जोड़ा गया है। गौरतलब है कि देश में प्राइमेट प्रजाति गोल्डन लंगूर केवल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बता दें कि गोल्डन लंगूर को गीस गोल्डन लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेचिपिथेकस गी है। यह अनोखी प्रजाति पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भूटान में आमतौर पर पाई जाती है। इस प्रजाति को उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जंगल अधिक पसंद होते हैं। वहीं गोल्डन लंगूर अपेक्षाकृत छोटे प्राइमेट होते हैं। इनका वजन लगभग 9 से 12 किलोग्राम के बीच होता है। इसमें नर की औसतन लंबाई करीब 95 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की 89 सेंटीमीटर होती है। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट के तहत एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। वहीं इन्हें साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। साथ ही इस प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में भी संरक्षित किया गया है। हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ पर एक सर्वेक्षण जारी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरल ब्लीचिंग की घटना से ग्रेट बैरियर रीफ प्रभावित हो रही है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन एवं अल नीनो की घटना है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा चौथी बार वैश्विक स्तर पर कोरल ब्लीचिंग की आशंका जताई जा रही है। साथ ही पाया कि हिंद प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में स्थित चट्टानों में विरंजन के गंभीर संकेत दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि कोरल ब्लीचिंग की घटना तब होती है जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है, जिससे वे अपने उत्तकों में पाए जाने वाले सहजीवी शैवाल जुजेंथली को बाहर कर देते हैं और प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन के रूप में जाना जाता है। वहीं यह घटना आमतौर पर ग्रेट बैरियर रीफ में आए दिन देखने को मिलती है। बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ती पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। वहीं यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में करीब 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है। इनमें सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं, जिन्हें जुजेंथली कहा जाता है, जो उनके उत्तकों के भीतर रहते हैं। दरअसल ये समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इन जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। गौरतलब है कि ग्रेट बैरियर रीफ को साल 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 4 प्रमुख प्रवाल भित्तिक क्षेत्र हैं। इनमें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत पहली भुगतान किस्त के रूप में 6,055 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए।
इस योजना के अंतर्गत राज्य की विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकल्प का मकसद महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। बता दें कि महतारी वंदन योजना राज्य की सभी 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी। वहीं विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना की पात्र होंगी। इस योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली लखपति दीदी योजना एवं स्वयं सहायता समूह की भी बात की। जानकारी के लिए बता दें कि लखपति दीदी योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। यह योजना एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस योजना में सरकार की ओर से महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर पैसा कमाने योग्य बनाया जाता है। वहीं स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। इसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। यह स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता की धारणा को अपनाता है। हाल ही में सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। इसके अनुसार वर्ष 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। वहीं इस दौरान रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता रहा, हालांकि हथियार आयात में इसकी हिस्सेदारी घटकर 36% हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसी दौरान पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 43% की वृद्धि की है। वहीं 2019 से 23 में पाकिस्तान पांचवा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा। इसके साथ ही चीन के हथियार आयात में 44% की कमी आई है। हालांकि इसका कारण स्वदेशी प्रणालियों से आयातक हथियारों का विस्थापन रहा। इसके साथ ही चीन के हथियार निर्यात में भी 5.3% की कमी दर्ज की गई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच अमेरिका के हथियार निर्यात में 17% की वृद्धि हुई। इस दौरान कुल वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 34% से बढ़कर 42% हो गई है। वहीं अमेरिका के साथ विश्व के शीर्ष 10 हथियार निर्यातक देश फ्रांस, रूस, इटली, दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और इसराइल है। बता दें कि सीप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम में हुई थी। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में 2,300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दो, इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तीन, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है, गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे गीज गोल्डन लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। दो, इनमें नर की औसतन लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। तीन, यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट के तहत एंडेंजर्ड घोषित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दो, इसे इसरो और नासा के सहयोग से विकसित किया गया है। तीन, इसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है, मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वेक्टर जनित रोग है। दो, यह प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तीन, यह रोग संक्रमित नर एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं?
अंतिम प्रश्न है, सिपरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। दो, यह संघर्ष आयुध हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। तीन, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम में हुई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण है। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसके द्वारा वंचित वर्गों के 1,00,000 उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15,00,000 रुपए तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल का उद्देश्य इससे समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना और उनका सशक्तिकरण करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंडिया स्टेक एड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन धोलेरा गुजरात, मोरीगांव असम और साड़ंद गुजरात में किया गया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करते हुए भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों या ईवी को अपनाने में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। इसके तहत योजना के तहत 4 महीनों के लिए कुल 500 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इसके तहत केवल इलेक्ट्रिक दो पहिया और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ही योजना के तहत पात्र होंगे, जिनमें पंजीकृत ई रिक्शा, ई कार्ट और L5 ऑटोमोबाइल शामिल है। इसके अलावा केवल उन्नत बैटरियों में सुसज्जित ईवी ही उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन होंगे। इस योजना से 3,72,000 से अधिक ईवी को मदद मिलेगी। साथ ही इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और देश में हरित गतिशीलता और ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम को विकास भी मिलेगा। बीते दिनों कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया गया। इस योजना का उद्देश्य पीएम गति शक्ति के केंद्रीकृत पोर्टल के मंत्रालय के पेज पर उपलब्ध भूस्थानिक परतों के माध्यम से कोयला क्षेत्र में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। यह व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली या GIS आधारित मंच लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए समकालिक योजना की सुविधा के लिए विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना है। साथ ही यह आर्थिक वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को भी संभव बनाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के शहीदों के सम्मान में हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि 17 सितंबर 1948 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य, जो निजामों के शासन के अधीन था, को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद आजाद कराया गया था। इस दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में ही 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य स्तर के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए नई पहल पर चर्चा की गई। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और इतालवी रक्षा जनरल स्टाफ के सैन्य नीति और योजना प्रभाग के बीच आयोजित की गई थी। बता दें कि इटली और भारत ने हाल ही में मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। वहीं अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन का भी नवीनीकरण किया गया था। हाल ही में मॉरिशस विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत मॉरिशस के मजबूत संबंधों की झलक है। बता दें कि हर साल 400 मॉरिशस के लोगों को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग या ITC कार्यक्रम के तहत भारत में प्रशिक्षित किया जाता है और लगभग 60 मॉरिशस के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। वहीं मॉरिशस भारत का एक करीबी समुद्री पड़ोसी भी है।
हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान के पोखरण में तीन सेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास, भारत शक्ति के रूप में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का एक संयुक्त प्रदर्शन का अवलोकन किया। इस दौरान देश की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि यह अभ्यास भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में फैले खतरों से निपटने में भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमता के प्रदर्शन के लिए आयोजित हुआ था। हाल ही में सरकार ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक समान संहिता को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल उद्योग के भीतर अनैतिक प्रथाओं को रोकना है जो स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके द्वारा केंद्र सरकार ने कंपनियों को चिकित्सा शिक्षा कार्यशालाओं की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करने की अनुमति दी है, बशर्ते ये पारदर्शी तरीके से किए जाएं। वहीं नए दिशा निर्देश कंपनियों को विदेशों में निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यशालाएं आयोजित करने से रोकते हैं। इसके साथ ही इसके द्वारा फार्मा कंपनियों पर स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवारों की यात्रा, आवास और मौद्रिक अनुदान जैसे विभिन्न प्रकार के उपहार देने पर भी रोक लगाई गई है। हाल ही में 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम गुजरात का दौरा करते हुए कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। बता दें कि कोचरब आश्रम वह आश्रम है जहां गांधी जी साबरमती में जाने से पहले रुके थे। वहीं 12 मार्च वही तारीख है जिस दिन गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इसी दिन की याद में 12 मार्च को ही साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव की भी शुरुआत की गई थी। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।